नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और ये है मारुति सुजुकी की सियाज हाइब्रिड। हाइब्रिड इसलिए यूज़ किया जाता है इसके लिए क्योंकि इसमें एक टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया जो कि माइल्ड हाइब्रिड कैटेगरी में आती है। सेम टेक्नोलॉजीज महिंद्रा अपनी स्कॉर्पियो और वोलेनो में यूज़ करती है, नाम यूज़ करती है इंटेली हाइब्रिड। मारुति उसे बोलती है स्मार्ट हाइब्रिड व्हीकल बाय सुजुकी यानी कि SHVS। तो आज आपको बताते हैं ये स्मार्ट हाइब्रिड व्हीकल टेक्नोलॉजी आखिर काम कैसे करती है। बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक गाड़ी में अल्टरनेटर लगा होता है जो कि गाड़ी का इंजन जब चालू होता है तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को पावर सप्लाई करता है। इस अल्टरनेट को कन्वेंशनल अल्टरनेटर को रिप्लेस कर देती है मारुति, और क्या करती है उस अल्टरनेटर को एक एक्स्ट्रा बेल्ट जोड़ देती है इंजन के साथ में। अगर आपको यहाँ दिख पाए तो मैं बेल्ट दिखाता हूँ, तो वो अल्टरनेटर देख पा रहे हैं आप, उसके पास बेल्ट लगे हैं दो तीन, और ये जो बेल्ट है एक्स्ट्रा बेल्ट लगा होता है इंजन को रोटेट करने की हेल्प करने के लिए। तो ये जो एक्स्ट्रा बेल्ट होता है ये क्या करता है दोस्तों, जब गाड़ी को ज़रूरत होती है एक्सेलरेशन की, यानी कि आप जब गाड़ी को पिकअप कर रहे होते हैं एक ट्रैफिक लाइट से चलने के बाद, जैसे ही आप ट्रैफिक लाइट बंद हुई उसके बाद जैसे ही आप पिकअप करते हैं, उस वक्त क्या होता है ये अल्टरनेटर का जो शाफ्ट है ये एक रिजर्व बैटरी से पावर लेता है और गाड़ी के इंजन को हेल्प करता है थोड़ा सा टॉर्क और जनरेट करने में, आसानी से जनरेट करने में। तो वहाँ पे गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी जो है वो बढ़ जाती है क्योंकि फ्यूल कंजप्शन कम हो जाता है, थोड़ा सा हेल्प बैटरी कर रही है, बाकी तो इंजन अपना काम कर ही रहा है, और इस वजह से फ्यूल इकोनॉमी जो है वो बढ़ जाती है। ये जो चीज़ है ये खुद भी चार्ज होती है, यानी कि जो बैटरी इस अल्टरनेटर को घुमा रही है वो बाद में चार्ज की जाती है बैटरी ब्रेक रीजनरेशन मेथड के थ्रू। क्या होता है जब भी गाड़ी आप ब्रेकिंग करते हैं तो जो रिजर्व बैटरी जो कि यहाँ पे मुझे अब दिख नहीं पा रही है, पता नहीं कहाँ सेटअप किया हुआ है सियाज में, मैंने इसको ढंग से देखा नहीं था, सियाज की जो स्ट्रक्चर है इंजन का सिस्टम है इसको, तो वो बैटरी चार्ज होती है गाड़ी के ब्रेक लगाते वक्त। जब ब्रेक लगाए वो बैटरी चार्ज हुई, जैसे ही आप वापस स्टार्ट करते हैं उसी बैटरी से पावर ली जाती है और गाड़ी का अल्टरनेटर जो है वो हेल्प करता है इंजन को घुमाने में। मेनली अल्टरनेटर का काम ये होता है कि वो गाड़ी की बैटरी को चार्ज करता रहे, इस बैटरी को जो प्राइमरी बैटरी है इसको चार्ज करता रहे और सारे के सारे जो भी गली के इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उनको पावर सप्लाई करता रहे। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में उस अल्टरनेटर को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दिया जाता है और गाड़ी को हेल्प की जाती है पिकअप के टाइम पे एक्सेलरेशन में। तो बस इतना सा प्रोसेस है टेक्नोलॉजी का। इसको एक चीज़ के साथ और जोड़ दिया गया है कि अपने आप गाड़ी जो है वो बंद चालू का फीचर कर दिया जाता है, जैसे थोड़ी देर के लिए गाड़ी रुकी हुई है और आपने न्यूट्रल में गाड़ी के ब्रेक लगा रखे हैं तो उस वक्त गाड़ी बंद हो जाती है, क्लच दबाने पे वापस चालू हो जाती है। इस चीज़ को पहले महिंद्रा माइक्रो हाइब्रिड कहता था और बाद में उन्होंने इस अल्टरनेटर को चेंज करने के बाद अपना नाम इंटेली हाइब्रिड कर लिया। तो उस बड़ी सी सिंपल सी टेक्नोलॉजी है और इसके कारण जो मारुति है वो लगभग 10% फ्यूल इकोनॉमी बढ़ा पा रही है और वहीं महिंद्रा जो है वो 7% के आसपास फ्यूल इकोनॉमी बढ़ा रही है। एकदम सिंपल सी चीज़ है, अल्टरनेटर और एक एक्स्ट्रा बैटरी का ये सारा सा काम है और एक और जो है बेल्ट अटैच करके गाड़ी को टॉर्क को हेल्प करते हैं पिकअप के वक्त। एक बार फिर से आपको बेल्ट दिखाता हूँ, अगर मैं कोशिश करता हूँ बेल्ट दिखाने की, ये एक जो एक्स्ट्रा बेल्ट है और उसके बाद बाकी अल्टरनेटर के जो कन्वेंशनल बेल्ट होते हैं वो आपको वहाँ दिख रहे हैं। अल्टरनेटर उस जगह पोजिशन है, अल्टरनेटर में आप कॉपर के काफ़ी सारे वायर्स देख पाएंगे जो कि हेल्प करता है गाड़ी की बैटरी को चार्ज करने में। तो बस इतनी सी ये टेक्नोलॉजी है और लगभग सारी की सारी सियाज जो कि अब आ रही है उसमें ये अवेलेबल है, अर्टिका में भी अवेलेबल है और इसमें एक पीछे से बैज भी लगाया जाता है स्मार्ट हाइब्रिड। जब से नेक्सा में शिफ्ट हुई है तब से स्मार्ट हाइब्रिड बैज लगने लगा है, जब पहले मारुति सुजुकी में थी सियाज तब उसमें SHVS लिखा आता था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरी चीज़ समझ में आ गई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल पे। अगर आप नए हैं तो मैं आपके लिए डेली ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए, धन्यवाद।